हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा उर्फ नागवंशी आपके सामने रूबरू हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आज सुजेशन और एडवाइजरी है उन ड्राइवरों के लिए जो दलेरी दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने आज ही एक अपना वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर देखा जो मेरे दोस्त ने मुझे सेंड किया था। जब मैं वो क्लिप देख रहा था तो उस क्लिप में मैंने देखा कि लैंड स्लाइडिंग आ रहा है और ड्राइवर जो हैं धड़ाधड़ से वहाँ से गाड़ी पास कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ तो पैसेंजर गाड़ियाँ थी उसमें, कुछ उनके अपनी लोकल थी, खुद की गाड़ियाँ थी। क्या यार वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे? दोस्तों, ये सोचो कि कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, आज जो मीडिया है उसी ने जिम्मेदार प्रशासन को ठहराना था, उसी ने जिम्मेदार ठहराना था पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस को, कि उन्होंने रोका नहीं, रोकने की कोशिश नहीं कि भाई वो जब इशारा कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ आप वहीं पे रुक जाओ, तो ड्राइवर को इशारा समझना चाहिए। बारिश हो रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रहा है। ये वाक्य जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वाक्य श्रीनगर हाईवे का है। बारिश हो रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, लेकिन कोई रुक नहीं रहा, धड़ाधड़ से गाड़ी निकालते जा रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो भी इसी के साथ एडिशन करके आपको बताइए दिखलाऊंगा, वो क्लिप भी दिखलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये बात गलत है। दोस्तों, हर जान का एक मोल होता है, वो मोल कौन समझता है? वो मोल उसके परिवार को पता है कि उनकी जान का मोल क्या है। जिंदा दिली दिखाओ यार, दलेरी भी दिखाओ, मैं नहीं बोलता, लेकिन दोस्तों ये आपका स्टंट किसी काम नहीं आएगा। खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पर कोई हादसा हो जाता तो उन परिवारों का क्या होता? आपने तो अपनी जान दाव पे लगा दी। और एक जो मैंने देखा था मिनी बस वाला, उसके अंदर पैसेंजर तो होंगे ना मेरे दोस्त, उन पैसेंजरों के बारे में सोचता वो, तो ये बात गलत है ना। तो दोस्तों, आज बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, प्लीज़ ऐसी गलती मत करो यार। जीवन अनमोल है, जीवन एक बार ही जीवन मिलता है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि 84 लाख जूनी बो करके फिर इंसान की जीवन प्राप्त होता है। तो यार आपने इतना जीवन को दाव पे लगा देते हो। भाई, दाव पे वहाँ पे लगाओ जहाँ पे उसका मोल वापस आ सके, मैं नहीं कहता, लेकिन गलत जगह पे नहीं। ये गलत जगह थी, लैंड स्लाइडिंग हो रहा था, आप वहाँ से गुजर रहे थे, ये बात गलत है। प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मत करो यार। जीवन का एक मोल है, उस जीवन को सही दिशा दिखाओ। आपके घर वाले आपका इंतज़ार करते हैं कि पापा ड्यूटी पर गए हैं, भैया ड्यूटी पर गए, मेरा बेटा ड्यूटी पर गया है, काम पर गया है, वो एक गाड़ी का फेरा लगा करके वहाँ से पैसे लाएगा। तो दोस्तों, ये बात गलत है ना। इसलिए क्या आप इंतज़ार नहीं कर सकते थे वहाँ पे? कर सकते थे, लेकिन ये मोल जीवन का वही जानेगा जो आपके घर वाले। मैं उन शूरवीरों को जिन्होंने ये हरकत की है ऐसी, मैं बोलता कि वो आज घर पे जाके जब आपका पूरा परिवार सो जाएगा तो आप ये इमेजिन करना कि मैं इस परिवार में नहीं हूँ। फिर आपको ये एहसास होगा कि भाई जो ये बात कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत। तो दोस्तों, आज का जो सुजेशन और एडवाइस है वो उन वीरों के लिए जो ऐसी गलतियां करते हैं, प्लीज़ ऐसी गलतियां मत करो। मुझे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतीय की जान प्यारी है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बता अभी मैं बात कर रहा था अपने पीछे, और मैंने उस वीडियो का क्लिप भी मैंने अपने इस वीडियो के साथ शेयर किया है। आप उस क्लिप को भी देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कुछ गलत कहा है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ऐसी जानकारी मैं और भी दूंगा। मैंने बोला कि मैं सोशल वर्कर भी हूं, सुजेस्टर भी हूं, मोटिवेटर भी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बड़ा मॉल है।